अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रीम व्लॉग्स एंड रिव्यू। मैं हूं बुशरा और आज मैं लेकर आ गई हूं आप सबके लिए फिर से एक शॉपिंग व्लॉग। काफ़ी दिन से मैंने कोई शॉपिंग व्लॉग नहीं डाली थी, फूड व्लॉग एंड प्रोडक्ट रिव्यू ही मैं डाल पा रही थी, तो काफ़ी दिन से शॉपिंग पे भी नहीं गई थी, इसलिए आपके साथ कोई भी शॉपिंग व्लॉग मैंने शेयर नहीं किया था। अब तो मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद आने वाली है और ईद के टाइम पे सभी लोग जो हैं शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, सारी मार्केट जाना स्टार्ट कर देते हैं, सारी मार्केट में देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जो सबसे बेस्ट होता है वही चीज़ सब लोग परचेस करते हैं। तो मैंने भी इसी तरह से 2-3 मार्केट चेक करी थी। अब आपको ऐसे ही शॉपिंग व्लॉग देखने को मिल जाएंगे। तो आज का शॉपिंग व्लॉग मैं डाल रही हूँ ग्लोबस का, जो है मॉल रोड पे, ग्लोबस बिल्डिंग में, विशाल मेगा मार्ट जो मॉल है वहाँ का मैंने ब्लॉग डाला हुआ है। तो यहाँ पर मैं आई थी तो देखने के लिए कि यहाँ पे समर कलेक्शन कैसा आया है। मैंने आपके साथ इससे पहले एक वीडियो शेयर करी थी, उसमें मैंने दिखाया था विंटर कलेक्शन कैसा था, तो इससे पहले भी आप वीडियो देख चुके होंगे ये ग्लोबस की, विशाल मेगा मार्ट की। और अब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ समर कलेक्शन देखने के लिए समर में, तो समर कलेक्शन काफ़ी अच्छे थे। तो सबसे पहले मैं गर्ल्स कलेक्शन में गई क्योंकि मुझे टिमटिम के लिए लेना था, तो मैं गर्ल्स के कलेक्शन चेक कर रही थी। प्राइस तो काफ़ी रीज़नेबल होते ही हैं, इसीलिए काफ़ी फेमस है एंड प्राइस के हिसाब से प्रिंट भी काफ़ी अच्छा होता है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी होती है। बट अगर फैब्रिक की बात करूँ तो जो प्राइस को देखते हुए मुझे फैब्रिक इतना पसंद नहीं आता है, लेकिन यार इतना 69-79 में आपको टी शर्ट्स मिल जाती हैं, तो अब क्या आपको हर चीज़ तो बेस्ट मिलेगी नहीं, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा फैब्रिक में एडजस्ट करना पड़ता है एंड प्रिंट एंड डिज़ाइन आपको बेस्ट मिलती है। तो गर्ल्स के कलेक्शन मैंने चेक करे तो मुझे पसंद नहीं आए थे गर्ल्स के कलेक्शन, बैग लगे होते हैं। यहाँ से मैंने एक पैजामा लिया था, ये वाला पैजामा नहीं लिया, इसी का वाइट कलर का मैंने टिमटिम के लिए पैजामा लिया था जो 100 रुपीज़ का मिला था। उसके बाद मैं ऊपर बॉयज़ के कलेक्शन में चली गई थी, ऊपर बॉयज़ के कलेक्शन सुना है काफ़ी अच्छे होते हैं, टी शर्ट्स काफ़ी अच्छी होती हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में होती है। तो मैं ऊपर जो है सेकंड फ्लोर पे आपको बॉयज़ के कलेक्शन मिल जाएंगे, तो अगर आपको बॉयज़ के लिए कुछ चाहिए तो आप ऊपर से सेकंड फ्लोर से ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पे कलेक्शन सारे चेक करने के बाद मैं बॉयज़ के कलेक्शन देखने चली गई थी। जीन्स में काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे थे, बाय वन गेट वन का ऑफ़र था, आप 699 में आपको 2 जीन्स मिल जाएंगी, मतलब 300 की आपको एक जीन्स पड़ेगी, तो जीन्स में काफ़ी अच्छी डील थी। एंड यहाँ पे बॉयज़ के सारे टी शर्ट्स लगी हुई हैं, उसमें काफ़ी अच्छे प्रिंट भी थे, कलर्स भी काफ़ी अच्छे थे यहाँ पे। और हमने यहाँ से टिमटिम के लिए एक पूरा फुल सूट लिया था जिसमें टी शर्ट एंड पैजामा था जो 250 का था, तो जो बॉयज़ के कलेक्शन थे वो ज़्यादा अच्छे थे गर्ल्स के कंपैरिजन में और काफ़ी अच्छे कलर्स भी थे यहाँ पे। 249 में आपको अच्छा खासा ड्रेस मिल जाएगा, प्रॉपर पूरा टी शर्ट है, निक्कर है एंड फुल सूट भी इसी में अवेलेबल है, आपको देखना पड़ेगा जो बाबा सूट जिसको बोलते हैं। और अच्छी टी शर्ट्स भी अच्छी मिल जाएंगी यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की, तो प्राइस थोड़ा सा हाई हो जाएगा लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी एंड जीन्स की शॉर्ट्स भी मिल जाएंगी। और ये नाइट सूट भी था जो 249 में ही था, बट बहुत ज़्यादा लाइट था, मतलब बहुत हल्का कपड़ा था ये, तो इसको हमने नहीं लिया, और लेकिन गर्मियों के लिए बेस्ट है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि एक दो वॉश में ख़राब हो जाएगा इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। 249 में ये भी था। और काफ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद हम फिर से जो है टी शर्ट्स एंड जीन्स ली हमने यहाँ से, एंड 69 और 79 वाली टी शर्ट्स में जाके हमने देखा अच्छे कलर्स थे, तो यहाँ से मैंने टिमटिम के लिए ये ब्लैक वाली टी शर्ट ली और 3 टी शर्ट्स और ली। अगर आपको कम बजट में फैंसी ड्रेस चाहिए, थोड़े से दिखने में स्टाइलिश हो, प्रिंट अच्छा हो, कलर्स अच्छे हो, तो और गिफ्ट किसी को करना हो तो आप यहाँ आके परचेज़ कर सकते हैं। और अगर इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ खराबी फैब्रिक होगा यहाँ पे, और जो हाई प्राइस के टी शर्ट्स है उसमें आपको फैब्रिक भी अच्छा मिल जाएगा, तो ऑप्शन आपके पास काफ़ी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है विशाल मेगा मार्ट की, आप यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं और अपने बजट में शॉपिंग कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ये ब्लॉग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।